दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज तिवारी और आज हम जो शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जेडब्ल्यूई के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एनडीए हो आपका, केबीएस हो, एनबीएस की जो तैयारी कर रहे हैं आपका, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, एनडीए, एयरफोर्स, उन सारे एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको सॉल्व करने में जो है काफी समय हमारा जो है खर्च हो जाता है, जिसके चक्कर में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो स्टूडेंट, इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो देखें जरा, यहां दिया हुआ है आपको, ये कंडीशन दी हुई है कि इफ साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा एन, मतलब ऐसे आपको टर्म दिए हो जो साइन में दिए। जैसे आप प्रॉब्लम देखें, पहली प्रॉब्लम हमारी दी है साइन फाइव थीटा, साइन सेवन थीटा, साइन नाइन थीटा, साइन इलेवन थीटा प्लस साइन 13 थीटा, 15 थीटा, कितने भी टर्म आगे दिए हो, साइन में सारे टर्म्स दिए हो, नीचे सेम टर्म्स आपके कॉस के टर्म में दिए हो। देखिए, जैसे यहां 5 थीटा दिया है तो यहां भी 5 थीटा, 7 थीटा, 7 थीटा, 9 थीटा, 9 थीटा, 11 थीटा, तो जितने भी टर्म आपको ऊपर साइन के दिए हैं, सेम टर्म जो है आपको नीचे क्या देने होने चाहिए, कॉस के दिए हो, तब आप उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, उसका आंसर होता है tan थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा n डिवाइडेड बाय n। तो इसका मतलब यह है कि n का मतलब यह है कि आपको यहां काउंट करने हैं कितने एलिमेंट दिए, तो 1 2 3 4, तो मतलब n की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहां 4 होगी। क्लियर स्टूडेंट? अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा n का मतलब यह है कि जितने भी एंगल आपको दिए हैं 5 थीटा, 7 थीटा, 9 थीटा, 11 थीटा, इन सब का आपको क्या करना है, सम करना है, बस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, यहां प्रॉब्लम लिखी है, दो प्रॉब्लम लिखी है। अच्छा, यहां एक चीज और नोटिस करने वाली है कि पहली प्रॉब्लम जो दी है, आप स्क्रीन पर देखें, फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी दी है ऊपर साइन दिया है और नीचे कॉस दिया है, सेकंड प्रॉब्लम में ऊपर कॉस दिया है नीचे साइन दिया है, तो टेंशन की कोई दिक्कत यहां नहीं है, क्योंकि यहां जो आंसर हमारा टेन में आ रहा है साइन और कॉस में, तो साइन कॉस टेन होता है, अगर कॉस डिवाइडेड बाय साइन लिखा है तो क्या होगा, कॉट होगा, तो आंसर आपका किसके टर्म में आ जाएगा, कॉट के टर्म में। क्लियर स्टूडेंट? तो देखेंगे यहां फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी कहती है कि साइन फाइव थीटा, साइन सेवन थीटा, तो हमें स्टूडेंट इसका आंसर क्या लिखना है, टेन थीटा वन, तो थीटा वन मतलब 5 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा प्लस 11 थीटा डिवाइडेड बाय n, तो n का मतलब है 4, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हैं। क्लियर? तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, tan, देखें आप ध्यान से, 7 और 5 आप ऐड करेंगे 12 होंगे, 12 और 9 21 होंगे, और 21 और 11 कितने होंगे, 32, तो ये हो जाएगा 32 थीटा डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 8, तो हो जाएगा tan 8 थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है स्टूडेंट। सेम आप यहां देखेंगे, यहां देखो cos sin दिया है तो आंसर cot में आएगा, cot में आएगा, तो देखो इन सब का सम करना है, तो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 9 24, तो हमने लिखा 24 थीटा डिवाइडेड बाय n, तो 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हैं, तो हमने लिख दिया 4, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 20, 4 6 24, तो मतलब ये हो जाएगा cot 6 थीटा, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट कितना टाइम लगा आपको, केवल 5 से 10 सेकंड में आप जो है इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ट्रिक पसंद आई होगी, ट्रिक अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।